यूपी के चंदौली जिले के सदर कोतवाली में पुलिस ने अंतर जनपदीय जालसाजों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि जनपद स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई कि कुछ लोग समाज कल्याण फाउंडेशन समिति चंदौली के नाम पर जिले के ग्रामों में महिला मित्र की नियुक्ति को ब्लॉक स्तर पर सुपरवाइजर और जिला स्तर पर जिला प्रभारी की नियुक्ति कर जालसाजी और धोखाधड़ी का पैसा आम महिलाओं से प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि निशांत समाज कल्याण संस्था के नाम पर आरोपी ने प्रदेश के 12 जिलों से फर्जी तरीके से अपनी कंपनी में अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति कर ग्रामीण महिलाओं से धन संग्रह का काम किया, जिससे संबंध में जांच प्रचलित है। वहीं बरामदगी में विज्ञप्ति, पंपलेट, महिला कार्ड, ग्रामीण महिला स्वास्थ्य मिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अलग अलग प्रकार की मोहरे भी बरामद की गयी और अब तक की जांच में सिर्फ 10 लाख से ऊपर की धनराशि अवैध कृत्यों के जरिए अपने खातों में जमा कराई जा चुकी है। फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से जनमत न्यूज के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट।